मैच जिताया मैंने, ने डीसी को जिताया मैंने। और जो कि ये सपना था, मुझे अगर ये ओवर मिलता तो मैं कोशिश करूँगा कि दिल्ली को जिता के दी, तो वही मैंने कोशिश किया। जस्ट मैं सोच रहा था कि मैं एक ओवर डाल चुका था पावर प्ले में और बाकी बीच के ओवर मिलने नहीं थे, तो मैं साथ यही सोच रहा था कि एक ओवर मुझे देंगे और साथ ईशान भैया और वो नौरकिया दोनों बॉल डालें। बट एक ओवर डालने के बाद से जब मुझे वो बोले कि नेक्स्ट ओवर यू बॉल, तो फिर मैं नहीं, मेरे को करना है, यही मौका है, मुझे करना है। और हर बॉल के बाद मेरे पास आके वार्नर बोल रहे थे कि एनीथिंग चेंज, एनीथिंग चेंज, तो मैंने बोला नहीं नहीं, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस इतना ही। जैसे आप बता रही थी ना कि यहाँ कहाँ से कहाँ है, तो वही मन में चल रहा था कि अगर आज मैं ये डिफेंड कर दे रहा हूँ तो आई थिंक जो स्टार्टिंग का मेरा जो विजुलाइज मैं जो सोचा था, विजुलाइज किया था, आई थिंक पूरा हो गया। लास्ट बॉल पे मेरे दिमाग में भी आया था कि स्लोअर डालूँ मैं, विकेट के लिए जाऊँ, लेकिन नहीं, मैं स्टार्टिंग में भी बोल चुका हूँ कि विकेट के लिए नहीं जाना है मुझे, और अपने टीम के लिए भले विकेट ना मिले, मैच जिता दूँ, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रन स्टार्टिंग में 5 विकेट जब गिर गए थे तो मैं वही सोच रहा था यार क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन मैं और सरफराज बैठ के बात कर रहे थे कि अगर 140-150 भी बन जाते हैं तो इस विकेट के लिए बहुत है, और अक्षर भाई और मनीष भाई दोनों का पार्टनरशिप हमारे टीम के लिए बहुत ही फायदा हुआ, इन दोनों का बैटिंग जो पार्टनरशिप हुआ वो हमारे लिए प्लस पॉइंट।